सो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र सीईटी 2024 का रिजल्ट आ गया है। हमारे साथ आज एक टॉपर है जिनका स्कोर जो है वो 99.18% है। ये हमारे डॉट बैच के स्टूडेंट्स हैं। तो आज हम इनसे पूरी जर्नी जानेंगे कि इनका प्रिपरेशन कैसा रहा, कितनी मेहनत किया इन्होंने जो इतना अच्छा स्कोर आया है। इनको विजिट या SPPU पिंपरी जैसे अब सभी कॉलेजेस के ऑप्शन ओपन हैं। तो नेक्स्ट ईयर जो आपका भी इतना स्कोर आया, आज इनसे पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले, पूरा विस्तार से हम बात करेंगे इस पर कि इन्होंने कितनी मेहनत किया था, कैसे कैसे जो है सब चीज़ इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना। चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब इनसे बातें करते हैं। सो मयूर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इतना अच्छा स्कोर हासिल किया। तो सबसे पहले अपना नेम बताओ और अपनी जर्नी बताओ, 10th 12th कहाँ से किया, अपने बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन दो। सर, माय नेम इज़ जगन साकरकर। सबसे पहले तो सर मैंने 10th नागपुर से किया है विथ 84% एंड 12th ऑल्सो फ्रॉम नागपुर विथ 86% एंड आफ्टर मैंने BCA में एडमिशन लिया नागपुर यूनिवर्सिटी में एंड करेंटली आई एम परसुइंग BCA फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी। तो मयूर, कैसे आप लोग, आपने ये BCA के बाद जॉब करना, क्यों, जॉब करने का ऑप्शन भी होता है BCA के बाद, बहुत सारे बच्चे जाते हैं जॉब करने को, तो आपने BCA को छोड़ करके MCA क्यों परस्यू किया, MCA करने का क्यों सोचा और CET ही क्यों सोचा, फिर कहाँ से पता चला? सबसे पहले तो जब मैंने BCA में एडमिशन लिया था तो तब मैंने रिसर्च की थी, पूछा था सीनियर्स को या फिर जो रिलेटिव्स थे जिनको इनके बारे में नॉलेज था, तो उन्होंने बोला था कि अगर आप BCA करते हो तो आपको MCA भी करना ही चाहिए, क्योंकि सिर्फ BCA करके जाओगे तो BCA के बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ है फ्यूचर में वो कम मिलेगी एज़ कम्पेयर टू MCA। अगर आप MCA कर लेते हो तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएगी और जो सैलरी है वो भी बढ़ने के चांसेस होते हैं MCA के बाद। तो मुझे MCA करना था, ये तो पहले से क्लियर ही था, तो फिर MCA महाराष्ट्र में ही करना था। तो मैंने देखा कि क्या होता है, कैसे कर सकते हैं, तो फिर पता चला कि महाराष्ट्र में अगर आपको MCA करना है तो आपको CET देनी पड़ेगी। तो ऐसे कुछ पता चला कि सर कि CET देनी पड़ती है महाराष्ट्र में और बाकी ऑल ओवर इंडिया में फिर NEMSET वगैरह होती है। तो मुझे वैसे ऑल ओवर इंडिया में तो रैंक चाहिए नहीं था या फिर ऑल ओवर इंडिया में भी MCA करना नहीं था, अच्छी अपॉर्चुनिटी है लेकिन नहीं करना था, मुझे महाराष्ट्र में ही करना था। तो इसलिए मैंने CET करना प्रेफर किया और प्लेसमेंट के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, हाँ वो तो सही है, लेकिन मैंने पहले से ही सोच रखा था कि मुझे MCA ही करना है। प्लेसमेंट तो मैं MCA के बाद भी कर सकता हूँ, अगर मैं BCA के बाद प्लेसमेंट के लिए जाता हूँ तो सैलरी में थोड़ा डिफरेंस होता है, ये पता था इसे। तो MCA हमारे बारे में आपको कैसे पता चला, जब आप अभी आप थर्ड ईयर में हो, आई थिंक अभी ग्रेजुएशन का आपका कंप्लीट भी नहीं हुआ, तो थर्ड ईयर के साथ आपने इतना अच्छा स्कोर अचीव किया, अभी आपका शायद एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चे का ये भी कन्फ्यूजन होता है कि हमारा लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर के साथ कैसे प्रिपेयर करें, इन सब चीज़ों पर भैया बता दो। तो इस पर हम लोग और बाद में आएंगे, अभी सबसे पहले ये बता दो कि आप जब प्रिपेयर कर रहे थे तो हमारे बारे में आपको कैसे पता चला, कहाँ से पता चला कि MCA ज्ञान चैनल भी है हमारे डॉट बैच का, आपको कैसे पता चला? तो जब मैंने CET का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था लगभग 2 या 2.5 महीने पहले, तो मुझे ये तो पता था कि मुझे MCA करना है, लेकिन सिलेबस क्या है, कैसा होता है, कैसा पेपर पैटर्न होता है, वो सारी चीज़ें नहीं पता थी। तो मुझे इनका कुछ गाइडेंस चाहिए था कि मतलब क्या होता है, कैसे होता है, किस टाइप के सिलेबस होता है, क्या लेवल होती है क्वेश्चंस की, तो गाइडेंस चाहिए था। तो ऐसे ही मैं जब यूट्यूब पे स्क्रॉल कर लगा ये ढूंढ रहा था तो फिर आपका वीडियो मिला मुझे। तो उस वीडियो में शायद आप डॉट बैच के बारे में बता रहे थे, तो डॉट बैच के बारे में आप बता रहे, तो वहाँ से सुना मैंने और सोचा कि इनरोल कर लूँ, क्योंकि अगर एनरोल करता हूँ तो मुझे सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा और शायद एग्ज़ाम के लिए अगर सारी चीज़ें क्लियर हो तो प्रिपरेशन करना इजी होता है। क्योंकि हम लोगों ने जो है लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम जो है ये डॉट बैच निकाला था, सबसे पहले हम लोग नोट्स वगैरह ही देते थे, वीडियो लेक्चर्स का जो सिलसिला है वो लास्ट ईयर से ही हम लोगों ने स्टार्ट किया, और इस साल वही डॉट बैच को जो है हम लोग फाउंडेशन बैच में कन्वर्ट किए। इसमें प्रॉपर आपको सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, लास्ट ईयर तो सब लेक्चर्स मैं ही लेता था, इनको पता होगा, अभी सब प्रॉपर आपका टीचर्स है, गाइडेंस के लिए हमेशा अवेलेबल है, तो इस बार कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक बार आप मयूर ये बता दो कि अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बता दो कि आपने प्रिपेयर करना कब से स्टार्ट किया था, मतलब CET का पढ़ना कब से स्टार्ट किया था, इस एंट्रेंस के बारे में सिलेबस कब देखा था और कितने टाइम देते थे, कैसे आपने प्रिपेयर किया, कितने घंटे देते थे पर डे के हिसाब से, क्योंकि आपका कॉलेज भी होता होगा,
तो आप टाइम मैनेज कैसे करते थे और कितना जो है टाइम देते थे इस पे? मैंने 2 महीना पहले स्टार्ट किया था प्रिपरेशन करना, तो तब सिलेबस वगैरह मैंने देखा था, लेकिन वही थोड़ा क्लियर नहीं था अच्छे से। तो फिर जब मैंने आपकी बात ज्वाइन की थी, तो उसके बाद मुझे वो सारी चीज़ें क्लियर थी कि क्या सिलेबस होता है, क्या पैटर्न होता है, मतलब कैसे होती है एग्ज़ाम। तो लगभग मैंने 1.5 महीना पहले 2 महीना पहले स्टार्ट किया, ऐसा बोल सकते। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो सबसे पहले मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैंने सोचा 4 सब्जेक्ट है इसमें, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड कंप्यूटर। तो सबसे पहले तो मेरा इंग्लिश वीक था, तो ये तो मुझे क्लियर था कि अगर मेरा इंग्लिश वीक है तो मुझे बाकी के 3 सब्जेक्ट अच्छे करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर बाकी 3 में कहीं कम ज़्यादा होगा तो फिर मेरा स्कोर कम हो जाएगा। तो फिर ये स्ट्रैटेजी थी मेरी, और थोड़ा टाइम मुझे कम मिला। मुझे ऐसा लगता है मुझे थोड़ा जल्दी स्टार्ट करना चाहिए था, क्योंकि अगर 1.5 महीना था तो मैंने 15 दिन तो थोड़ा कम ही पढ़ा था, स्टार्टिंग किया था, टास्ट किया था और थोड़ा बहुत पढ़ा था, एकदम नॉर्मल सा, एकदम कुछ सिलेबस कवर नहीं हुआ था मेरा। तो फिर 1 महीना बाकी था, तो मुझे लगा अभी तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर BCA में थोड़ा परसेंटेज कम ज़्यादा हो गया तो फिर वो चल जाएगा, लेकिन CET में अगर कम आया तो मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा अच्छा। तो फिर मैंने 1 महीना पूरा गैप ले लिया, 1 महीना मैंने पूरी कॉलेज में छुट्टी ले ली, 1 महीना मैं गया ही नहीं, पूरा प्रिपरेशन बस CET किया 1 महीना। तो उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से चला मैं कि मुझे मेरा इंग्लिश वीक है तो मुझे बाकी चीज़ें परफेक्ट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैंने रीजनिंग और मैथ्स पे फोकस किया, क्योंकि मैंने सोचा रीजनिंग और मैथ्स में 30-30 क्वेश्चन है, तो अगर मैं रीजनिंग के 25 क्वेश्चन कर लूँ और मैथ्स के अगर 20 क्वेश्चन मुझसे बन जाए तो 45 क्वेश्चन तो मुझसे हो जाएंगे। और फिर 20 क्वेश्चन जो कंप्यूटर के, अगर आप BCA के बाद हो, IT बैकग्राउंड से हो, तो आप 20 क्वेश्चन तो कर लाओगे, ईजिली कर लोगे। और फिर इंग्लिश का मैंने सोचा था 10 क्वेश्चन भी मुझसे हो जाएंगे, कम से कम 10 तो हो जाएंगे। तो 75 क्वेश्चन मेरा ऐसे ही हो रहे थे, तो 75 क्वेश्चन तो बहुत अच्छा स्कोर बनता है, 75 क्वेश्चन थे ये मैंने देखा था आपकी वीडियोस या फिर बाकी वीडियोस पे मैं देखा था कि 75 क्वेश्चन भी करेक्ट होते हैं तो फिर आपका स्कोर बहुत अच्छा आता और 99 के ऊपर आता है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी। आपका टोटल स्कोर कितना था? टोटल स्कोर जब काउंट किए होंगे तो सर 68 क्वेश्चन करेक्ट थे, मतलब आपका 70 के आसपास, 138 के आसपास आपका मार्क्स आया हुआ था, इट्स अ वेरी गुड स्कोर। हाँ, सबसे ज़्यादा फोकस तो सर मैंने मैथ्स में किया था, क्योंकि रीजनिंग तो क्वेश्चन चेक किए और बाकी चीज़ें देखा तो थोड़ा इजी था एज़ कम्पेयर टू बाकी एग्जाम्स जो है, रीजनिंग थोड़ा इजी था। और कंप्यूटर तो मैं कर लूँगा, क्योंकि मैं IT बैकग्राउंड था, तो अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इजीली कर लोगे, लेकिन मैथ्स जो है वो क्वेश्चन थोड़े टफ आते थे मैथ्स के, तो सबसे ज़्यादा मैथ्स में मैंने फोकस किया। और मैथ्स में तो सबसे पहले तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए था। तो सबसे पहले जब मैंने BCA स्टार्ट किया था, BCA एडमिशन फर्स्ट ईयर में था, तब से मैंने जो ट्यूशन क्लासेस थी मेरे घर के पास, तो वहाँ पे मैंने 8 क्लास को पढ़ाना स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स। तो वहाँ से मेरा थोड़ा मैथ्स का जो बेसिक था वो क्लियर हो गया था, मैथ्स का बेसिक मेरा क्लियर ही था। मुझे ऐसा लगा मैं मैथ्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकता हूँ, और मैथ्स में अगर 20 क्वेश्चन बनते हैं जैसे मैंने अभी स्ट्रैटेजी बताई, तो इस हिसाब से चलना था। तो इसलिए इनका इनका जो प्रिपरेशन प्लान था वो बहुत तगड़ा था, मतलब इनके माइंड में ये कैलकुलेशन हमेशा होता था कि मैं मैथ्स में इतना करेक्ट कर सकता हूँ, इतने क्वेश्चन आते हैं इतना करेक्ट कर सकता हूँ। और इन्होंने अपने, इनकी एक बात और खासियत मेरे को लगी कि इन्होंने जो अपना स्ट्रांग टॉपिक्स है, स्ट्रांग सब्जेक्ट्स है, उस पर ज़्यादा फोकस किया, ना कि जो इनके वीक सब्जेक्ट्स थे। जैसे इन्होंने बताया इंग्लिश इनका वीक था, तो इंग्लिश पे उतना ज़्यादा इन्होंने टाइम नहीं दिया जितना जो है ये कर सकते थे, जितना स्कोरिंग सब्जेक्ट्स था इनका मैथ्स। जैसे मैथ्स पे मैं पहले भी बोलता हूँ, मैथ्स अब 2 साल से बहुत ज़्यादा टफ आने लगा है। मैंने डॉट बैच में भी बार बार ये जिक्र किया था कि मैथ्स जो है बहुत टफ आने वाला है, इसलिए हम लोगों ने फाउंडेशन बैच में भी यही रखा है मैथ्स का। मैथ्स में हम लोगों ने क्या, दो दो टीचर्स रखे, एक जो आपको रिकॉर्डिंग्स पढ़ाएंगे और जो डाउट होगा वो दूसरे टीचर सॉल्व भी करेंगे। तो मैथ्स पर हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस भी कर रहे हैं इस बार, क्योंकि देखो रिजल्ट है ना, रिजल्ट रीजनिंग सभी कर लेंगे क्योंकि ईजी आता है, थोड़ा सा आप मेहनत करोगे तो रीजनिंग सभी से हो जाएगा। कंप्यूटर भी, अगर बैकग्राउंड कंप्यूटर है, आप BCA BSc IT हो, इवन कोई भी बैकग्राउंड से हो, तो कंप्यूटर अगर थोड़ा सा भी पढ़ोगे तो वहाँ से भी आपका स्कोर जो है वो इजीली बन पाएगा। और इंग्लिश भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो स्कोर बूस्टिंग बूस्टर सब्जेक्ट के रूप में आता है, उससे भी आपके मार्क्स बन जाते हैं। जो परसेंटाइल का डिफरेंस लाता है ना, वो मैथ्स लाता है। जिसका मैथ्स अच्छा होगा ऑटोमेटिक उसका परसेंटाइल जो है अच्छा बनेगा, स्कोर जो है वो अच्छा बनेगा। इसलिए मैथ्स पे फोकस अभी से स्टार्ट कर दो, जितना आप जल्दी स्टार्ट करोगे। अगर आप बिगनर हो, आपको कुछ भी नहीं आता है मैथ्स, तो आप जितना
जितना जल्दी स्टार्ट करोगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। अभी देखो हमारे पास अभी जैसे हम लोगों ने काउंसलिंग मैं हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं तो बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं 99% से लेकर के 13 इवन 0.6% तक भी आए हुए हैं हमारे पास बच्चे। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, इनके पास ऑप्शन है कॉलेजेस का, ऊपर के जितने कॉलेजेस सभी अब ये चूज़ कर सकते हैं कॉलेज, मतलब अगर आप इनको VGTI में जाना है, SPPU में जाना है, SPIT में जाना है, अब ये चूज़ करेंगे हमें किस कौन से कॉलेजेस में जाना है, और जो नीचे के परसेंटाइल है वो चूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उनको ये बहुत जो है मैं 2 महीने पहले भी बताता था कि जो इस टाइम ही आप कुछ कर सकते हो, रिजल्ट आने के बाद आप कुछ कुछ भी नहीं कर सकते हो, जो आपको कॉलेज अलॉट होगा अब आपके परसेंटाइल आपके रैंक के हिसाब से जो कॉलेज मिलेगा आपको उसी में लेना पड़ेगा। अगर मयूर जैसा आपको चाहिए आपको स्कोर 99 लाना है तो जो ये बताएंगे अभी आने वाले टाइम में अभी प्रिपरेशन प्लान भी ये बताएंगे कि आप लोग किस तरीके से कर सकते हो, फॉलो करना जो हम लोग आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं उस पर एकदम भरोसा रखो, और जो है फिर आप नेक्स्ट ईयर हमारे साथ पॉडकास्ट शूट कर रहे होगे जैसे ये मयूर कर रहे हैं। तो फैमिली में तो बहुत सब खुशी होंगे कि इतने सारे परसेंटाइल आए हुए हैं, क्योंकि सर सबसे पहले तो मैंने जब एक मंथ मैंने जैसा बताया एक महीने मैंने छुट्टियां ले ली थी तो पेरेंट्स पूछते थे क्यों आप कॉलेज नहीं जा रहे हो क्या है, तो मैंने बताया था CET का प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो इसलिए छुट्टी लिया, तो जो परसेंटेज अच्छे आए तो वो लोग तो एकदम खुशी हो गए, तो मैंने कुछ बोला भी। अब खुशी हो गए तो कहाँ का प्लान कर रहे हो मयूर, पुणे जाने का, मुंबई जाने का, मतलब कौन से कॉलेज टारगेट कर रहे हो? SPPU या फिर पिंपरी चिंचवड़ कॉलेज अपनी। अच्छा, और मेरा फेवरेट तो पिंपरी है, DY पाटिल पिंपरी, तो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ट्राई करना SPPU PCCU और फिर काउंसलिंग के लिए तो हम लोग हैं ही हैं, कभी भी आप हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर ही सकते हो। अब बता दो, अब 2025 वालों को कुछ गाइडेंस दे दो कि उनको क्या करना चाहिए, और जो आपने 2 महीने पहले स्टार्ट किया था ना उनको कब से स्टार्ट करना चाहिए प्रॉपर, जो है वो कब से पढ़ाई स्टार्ट कर दे, और कितना टफ होने लगा है अब CET। एक बार आप जो अभी आपने जस्ट एग्ज़ाम दिया है तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हो, आपने पेपर दे करके आया, एग्जामिनेशन हॉल में वो माहौल देख करके आया है कि कितना टफ़ होता है, अब कितना टफ़ होने लगा है CET। जैसे 2014-2013 में बहुत ईजी होता था, आप 10-15 दिन पहले भी पढ़ के जाते थे ना तो निकल जाता था, लेकिन अब कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो उनको गाइड कर दो कि कब से वो स्टार्ट करें और कैसे करें। हाँ सर, जैसे अगर कोई स्टार्ट कर रहा है प्रिपरेशन तो मैं तो बोलूँगा सबसे पहला पॉइंट मेरा यही रहेगा कि आप जल्दी स्टार्ट करो। जैसे मैंने 2 महीने स्टार्ट किया तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, मैंने कॉलेज 1 महीना स्किप किया तो वो पढ़ाई मेरी छूट गई, अभी मेरे एग्ज़ाम में तो थोड़ा सा मुझे इशू हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा कि आप जल्दी स्टार्ट करो, कम से कम आप एग्ज़ाम से 5 से 6 महीने भी पहले भी स्टार्ट करते हो और आप रोज़ का 1-1.5 घंटा भी पहुँचते हो, 1-1.5 घंटा भी अगर आप पढ़ते हो आपके टाइमिंग के हिसाब से, या फिर 1 घंटा भी पढ़ा तो भी इनफ है। तो मुझे ऐसा लगता है आप एग्ज़ाम तक तो बहुत सारा सिलेबस कवर कर लोगे और आप 99 के ऊपर तो आराम से लेके आओगे अगर रोज़ का 1-1 घंटा भी पढ़ते हो, अगर आप 6-7 महीने पहले स्टार्ट करते हो तो। और मेरी बात करें सर तो मैं उन 1 मंथ में जो छुट्टियां लिया था मैं तो मैंने ऐसे कभी काउंट नहीं किया मैं कितना घंटा पढ़ रहा हूँ, लेकिन शायद 7-8 घंटा पढ़ रहा था शायद मैं। और जब सिलेबस में कवर कर रहा तो सबसे पहले मेरी ये सेकेंड रहेगा कि आप पहले मैथ्स में अगर फोकस कर रहे हो तो पहले मैथ्स के बेसिक क्लियर करो, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स नहीं आते तो फिर आप एडवांस टॉपिक करना थोड़ा सा आपको इशू हो जाएगा। बेसिक्स बोले तो अगर आप 8-9-10 तक के मैथ्स का बेसिक भी अच्छे से करते हो तो आप इजी क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, अगर आप एडवांस क्वेश्चन पे जाते हो लेकिन आपको इजी क्वेश्चन ही नहीं आते तो फिर एडवांस क्वेश्चन बनना आपसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े टफ आते हैं। आपको बेसिक भी आना चाहिए, अब आपको अप्लाई भी करता आना चाहिए बेसिक, तो सबसे पहले तो आप 8-9-10 के बेसिक कवर कर लो। उसके बाद रीजनिंग तो थोड़ा इजी आता है, अगर आपको टॉपिक पता है कि ये टॉपिक के इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इस टाइप में ऐसे ऐसे सॉल्व करना पड़ता है तो आप इजीली कर लोगे, रीजनिंग थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद आप इजीली कर लोगे। और कंप्यूटर अगर आपका IT बैकग्राउंड है तो आप कंप्यूटर के क्वेश्चन कर लोगे इजीली, थोड़ा बहुत आपका नॉलेज है, थोड़ा बहुत आपका बेसिक क्लियर है तो आप इजीली कर लोगे, लेकिन अगर कोई नॉन IT वाला है तो उसको थोड़ा इशू होगा, उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। और सर मैंने इंग्लिश के लिए तो जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश मेरा वीक था तो ग्रामर वगैरह पे तो मैंने स्किप कर दिया था, जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन थे और जो थोड़ा इजी क्वेश्चन थे मतलब जो मुझसे हो सकते थे उस पर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की मैंने, बुक्स से बोलिए या फिर वेबसाइट्स पे,
जो वोकेबलरी वाले क्वेश्चन थे सर, वो तो वो हमारे स्टार्टिंग अच्छा, आपने आई होप आप लोगों ने इनका पूरा स्ट्रेटजी देखा, जरूर से जरूर इनका स्ट्रेटजी जो है वो फॉलो करना। अब ये बता दो, एग्ज़ाम के दिन मतलब एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप क्या सोच रहे थे? मतलब कि 14 मार्च को आई थिंक कौन सा स्लॉट में आपका एग्ज़ाम था, इवनिंग स्लॉट या फिर मॉर्निंग स्लॉट? फर्स्ट स्लॉट था, तो आप एक दिन पहले क्या किए थे एग्ज़ाम से? एक दिन पहले रिवाइज किए थे या फिर कुछ नहीं पढ़े थे, या फिर पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? एक दिन पहले और फिर एग्ज़ाम के दिन, दोनों दिन का पूरा बताओ, रिव्यू दो कि दोनों दिन आप क्या क्या किए। सबसे पहले तो एक दिन पहले सबसे पहले तो माइंड में ये था सर कि थोड़ा सा रिलैक्स रहना है एग्ज़ाम में, तो रिलैक्स रहना है क्योंकि अगर स्ट्रेस में रहे तो फिर वहाँ पे एग्ज़ाम में जाने के बाद जो चीज़ें आपको कर आती भी है वो भी आप गलत कर लोगे। तो सबसे पहले ये सोचा कि ठीक है सब कुछ हो चुका है, जितना हो चुका है उतना एग्ज़ाम में करेंगे, जो हो चुका है देखा जाएगा एग्ज़ाम में, स्ट्रेस नहीं लेना, एकदम रिलैक्स होना है। और सर एक दिन पहले मैंने क्या किया, तो जैसे मैंने मॉक टेस्ट दिए थे तो उसमें जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बने थे, जो क्वेश्चन मुझे डिफ़िकल्ट लगे, थोड़े से अलग लगे थे, तो वो क्वेश्चन मैंने रफ पेजेस पर लिख के रखे थे सभी सब्जेक्ट के, तो वो क्वेश्चन मैंने एक दिन पहले रिवाइज़ किए कि ये क्वेश्चन अगर रिपीट होते हैं जो मैंने पहले सॉल्व किए, पहले मुझे नहीं बने, अगर ये क्वेश्चन रिपीट होते तो पेपर में मेरे रॉन्ग नहीं होने चाहिए, तो वही जो मैंने पेजेस पे लिख के रखा था वही मैंने रिवाइज़ किया कि अगर ऐसा हो तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है, ये क्वेश्चन ऐसे करना है सारे सब्जेक्ट के, ताकि अगर उस टाइप के क्वेश्चन आए तो जो गलतियाँ मैंने पहले की थी वो रिपीट ना हो, तो यही किया था सर। वैसे तो कोई रिवाइज़ किया नहीं था मैंने, बस ये मॉक में जो गलत क्वेश्चन हुए थे वो रिवाइज़ किए थे बस। और एग्ज़ाम डे तो कुछ चांस नहीं मिला सर, क्योंकि ये 9:30 का पेपर था और एक सेंटर थोड़ा दूर था, तो 6:30 7 बजे निकलना पड़ा था, तो एग्ज़ाम डे तो कुछ टाइम नहीं मिला सर। तो ये अब लास्ट क्वेश्चन से ये कि हमारा जो डॉट बैच है, जितने मॉक टेस्ट थे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज, वो आपको कितना बेनिफिट किया ये बता दो, क्योंकि फाउंडेशन बैच में भी हम लोग सब वही चीज़ डालने वाले हैं, तो डॉट बैच का जो मॉक टेस्ट है या ओवरऑल आपको कितना बेनिफिट मिला ये बता दो, ये एक लास्ट क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा तो मॉक टेस्ट का ही बेनिफिट मिला ऐसा बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि सिलेबस के साथ सबसे ज़्यादा तो मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, जैसे आपने भी 30 डेज चैलेंज दिया था वो मॉक टेस्ट भी, और फिर जो अदर वेबसाइट पे मैंने भी परचेस किया था, एक वेबसाइट है वहाँ से परचेस किया था मैंने, तो वो मॉक टेस्ट भी मैंने दिया था। अप्रोक्सीमेट सर मैंने 30 के आसपास मॉक टेस्ट दिए थे, और मॉक टेस्ट में मैं चेक करता था कि कितने क्वेश्चन मुझसे बन रहे हैं, क्या टॉपिक में नहीं आ रहा, जैसे आपने सर टॉपिक वाइज भी क्विजेस मॉक टेस्ट डाली थी तो वो भी बहुत हेल्प करी, क्योंकि अगर जब मैं टॉपिक पढ़ता था पूरा, उसके बाद में जब वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता था तो कुछ क्वेश्चन बनते थे कुछ क्वेश्चन नहीं बनते थे, तो जो नहीं बनते थे वो क्यों नहीं बन रहे, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ें मैं चेक करता था, तो वो भी बहुत हेल्प की। तो जैसे मैं मेरे फ्रेंड्स भी देखता हूँ अभी, तो उनको थोड़ा टाइमिंग का इशू गया कि मतलब दो इतने क्वेश्चन छूट गए, टाइमिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो फिर मुझे ऐसा लगता है मैंने मॉक टेस्ट देखे बहुत सारे मेरे टाइमिंग और स्ट्रैटेजी थोड़ा प्रॉपर, जैसे आपने भी एक स्ट्रैटेजी बताई थी सर कि पहले सारे क्वेश्चन गो थ्रू कर लो, फिर वो स्ट्रैटेजी मुझे बहुत हेल्प हुई सर, क्योंकि अगर उस स्ट्रैटेजी से नहीं करता तो टाइम ही थोड़ा कम हो जाता मुझे और फिर नहीं कर पाता मैं सारे क्वेश्चन, तो सबसे ज़्यादा तो मैंने मॉक टेस्ट दिए थे तो वो मॉक टेस्ट ने बहुत हेल्प करी। अच्छा, तो मॉक टेस्ट जैसे कि हर एक बार मैं बोलता हूँ टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। मॉक टेस्ट पे भी मैं बहुत फोकस किया था, मैंने भी 30 डेज चैलेंज निकाला, बहुत सारी चीज़ें भी हम लोगों ने किया था एग्ज़ाम से जस्ट पहले ही, और मॉक टेस्ट पे इतना फोकस किया क्योंकि जो सीनियर्स थे हमारे उनसे भी जब पॉडकास्ट में शूट करता था तो उन लोगों ने भी क्या बताया था मॉक टेस्ट के बारे में, इन्होंने ज़रूर वो वीडियोज़ भी देखे होंगे, और अगर आपने भी नहीं देखे तो जाकर के प्लेलिस्ट में जाना, पॉडकास्ट जितने भी सीनियर्स के पड़े हुए हैं, कुछ भी प्रिपरेशन से डाउट है एक बार जा करके ज़रूर देखना, क्योंकि वो आप जो करने वाले हो ना ये लोग करके बैठे हुए हैं, और ये बोलते हैं ना दूसरों की गलतियों से सीखना जल्दी होता, अगर खुद की गलती करके सीखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप दूसरों की गलतियों से सीखो कि उन्होंने क्या गलतियाँ किया था जो आप नहीं दोहरा सकते हो, तो वो सीखो, और जो इन्होंने फॉलो किया था मॉक टेस्ट पे जितना दिया था टाइम उतना आप लोग भी दो। टाइम मैनेजमेंट को लेकर भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से जो है डिस्कस किया हुआ, और कोई भी डाउट होता है तो एमसीए ज्ञान हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल है, और थैंक यू सो मच मयूर, आई होप आपको जो आप कॉलेज चाह रहे हो वो कॉलेज मिल ही जाएगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि वो कॉलेज आपको मिल जाएगा, और अब 2 साल की जर्नी, अब आपकी जो न्यू जर्नी वो स्टार्ट होने वाली है, हम लोगों से कहीं भी कभी भी कुछ भी हेल्प चाहिए तो हम लोग हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, और थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया इतना, आपका एग्ज़ाम भी है, ऑल द बेस्ट, और कुछ भी डाउट है तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो फिर बाद में, थैंक यू।